ये तो हर साल ही होता है वैसे तो, बट हर बार एक नई अलग चीज हमारे सामने आती है और चीजें हमको सीखने को मिलती हैं इसके साथ साथ। पहले जो पूरा वर्ल्ड था वो एक तरह से था, पूरा एक ही आइलैंड था, दो तरह में वो डिवाइड हुआ था, एक हमारा पेंजिया और दूसरा गोंडवाना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर का जो है हमारा टॉपिक है, उसमें हमने ये दिखाया कि कितनी लेयर अर्थ के ऊपर जो होती है, जैसे हम आसमान में देखते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसमें क्या क्या किस तरह की हवाएं हैं, गैसेज प्रेजेंट होती है उसके बारे में। यानी जो पहली बार कॉलेज में आया है वो बच्चा इतना क्रिएटिवली काम कर रहा है, बहुत मतलब मार्वलस मजा आ गया देख के, मतलब हमारे होनहार स्टूडेंट जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स, और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर से आज एक बड़ा ही क्रिएटिव वर्क किया गया है, यानी बच्चों को भूगोल की जानकारी रंगोली के माध्यम से दी जा रही है। वो अपनी धारा को किस प्रकार से बचा सकते हैं इसे दर्शाने का प्रयास यहाँ पर रंगोली के माध्यम से किया गया है। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा कार्यक्रम क्या है और इसके पीछे उद्देश्य क्या था। मैम पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षलेखा है, मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में यहाँ टीचर हूँ और पिछले 22 सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ। और ये प्रोग्राम आज हमने ज्योग्राफी थ्रू रंगोली रखा है, ये बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए रखा है, ताकि बच्चे जो हमारा अर्थ पे अलग अलग प्रकार के जो फीचर्स बनते हैं उनको दिखाएं और उनके महत्व को समझें और उनके बारे में बताएं। जैसे आज हमारे यहाँ बच्चों ने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से लेके और पॉल्यूशन के बारे में बनाया है, रिवर के वर्क्स के बारे में बनाया, और सबसे बढ़िया आप देखिए उत्तरांचल में जो अभी त्रासदी हुई है उसके बारे में रंगोली बच्चों ने बनाई है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो पिछले साल आग लगी हुई थी उसके बारे में बनाया है, और इवन के आज के दिन आप देख रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है वो स्पेस में के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक सैटेलाइट छोड़ा है, तो इवन के हमारे बच्चों ने स्पेस से रिलेटेड भी अपनी जो रंगोली है वो दिखाई है कि कैसे हमारी रेज आती है, कैसे वो काम करते हैं। और पूरे हमारे कॉलेज में जो है ज्योग्राफी में करीब करीब 1200 स्टूडेंट ज्योग्राफी में है, बीए और बीएससी दो प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं, और आज के इस प्रोग्राम में कम से कम 45 स्टूडेंट्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया है, और हमने करीब दो बच्चों की एक टीम बनाई है, यानी दो बच्चे मिलके काम कर रहे हैं और ये सारा आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ये जो तमाम थीम्स हैं ये आप लोगों ने दिए थे बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी। सर कुछ तो हमने मोटा मोटी दिए थे, लेकिन जो अंदर की जो चीजें निकाल के आई, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बता रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में ये बता रहे हैं, ये सैटेलाइट के बारे में बता रहे हैं, ये बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है। और सबसे बढ़िया जो बात उभर के आ रही है, फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, यानी जो पहली बार कॉलेज में आया है वो बच्चा इतना क्रिएटिवली काम कर रहा है, बहुत मतलब मार्वलस मजा आ गया देख के, मतलब हमारे होनहार स्टूडेंट जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जाट कॉलेज में इसी तरह के कार्यक्रम अक्सर आयोजित? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अक्सर मेरा डिपार्टमेंट तो जो है हमारे मंथली दो प्रोग्राम हम करते हैं, एक बच्चों के लिए बच्चों की तरफ से करते हैं। अभी हमने 23 फरवरी को पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट किया था, उसमें भी 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और अभी हम कोई लेक्चर वगैरह कराते हैं, और अभी कमिंग उसमें हम 8 मार्च को एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और हमारा एग्जीबिशन का थीम होगा ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन हरियाणा फ्रॉम वेल टू विंग्स, यानी घूंघट से पंखों तक किस तरह से हरियाणा की महिलाएं जो हैं जा रहे हैं। तो 8 मार्च के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप आएं और हमारे बच्चों के उसको रिकॉर्ड करें और बताएं कि कैसे एक विषय को लेके बच्चे आगे इतना कुछ पढ़ रहे हैं, और आगे हम फ्यूचर में बच्चे भूगोल विषय में क्या क्या कर सकते हैं, समय समय पर ऐसा भी उनके लिए हम लेक्चर वगैरह कराते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बच्चे भी यहाँ मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? दीपिका। दीपिका जी, आपने किस थीम पर आधारित चीजें बनाई है, क्या बनाया है? सेव अर्थ पे बनाया हमने। हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे हम बचें, और सेव के ऊपर सॉरी अर्थ के ऊपर बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाएं ताकि एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। बहुत सुंदर, आपका नाम और क्लास बताएं। मेरा नाम मोनिका नेहरा है, क्लास बीए थर्ड ईयर है, और हमने हमारी जो रंगोली है वो बनाई है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के ऊपर जो 2019 में लगी थी ऑस्ट्रेलिया के काफी सारी जंगलों में, जिसकी वजह से जो जानवर हैं सबसे ज्यादा तो जानवर ही मर गए थे वहाँ पे, तो जो उनका जो लॉस हुआ था, जो उनकी जिंदगियों का लॉस हुआ था उसके ऊपर हमने बनाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि प्रकृति किस तरीके से अपना रोष इंसान पर दिखाती है। किताबों के साथ आज जब रंगों से आप लोग अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, ये तो हर साल ही होता है वैसे तो, बट हर बार एक नई अलग चीज़ हमारे सामने आती है और चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इसके साथ साथ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम बताएं। सविता। सविता जी आप बताइए, आपने क्या बनाया?
सर हमने सेव अर्थ सेव लाइफ पे बनाया है रंगोली। इसमें जैसे आजकल पृथ्वी पर आज के टाइम में जितने भी ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं उस हिसाब से हमारी पृथ्वी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती जा रही है, तो हमने ये मैसेज दिया रंगोली के माध्यम से कि पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जीवन को बचाएं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? शिखा है, ये फाइनल ईयर से हूँ। मैंने कॉन्टिनेंटल थ्योरी लगाई है, उसमें हमने ये बताया कि पहले जो पूरा वर्ल्ड था वो एक तरह से था, पूरा एक ही आइलैंड था, दो तरह में वो डिवाइड हुआ था, एक हमारा पेंजिया और दूसरा गोनेवाला। जो गोनेवाला है हमने उससे स्पीसीज से रिलेट करके बताया है कि कैसे कैसे पहले कौन सी स्पीसीज थी और अब कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। पहले जो लैंड थी वो कम्बाइन थी, तो जैसे अमेरिका और अफ्रीका के जो स्पीसीज थी वो कम्बाइन थी, बट अब जैसे गैप ज़्यादा हो गया तो उस वजह से वो हैबिटेट नहीं कर पा रही। तो हमने वो दिखाया कि पहले जो लैंड थी वो हमारी कैसे फॉर्मेशन हुई, उससे हमारा जो लैंड का डिवीजन था, हैबिटेट थे, हमारी ट्राइब्स वगैरह थी, उसमें बहुत चेंजेस आया। तो हमने रंगोली की तरह से वो दिखाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और स्पेशली ये होता है कि अलग अलग लेवल तक की चीज़ें पता चलती है जो हम जनरली बुक से नहीं रीड कर सकते या समझ नहीं आती, पर हम रंगोली पे दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन हवाओं से बचाने में कामयाब रहे कि नहीं हुए? हाँ, आज हुए। हमने क्या किया, बेंचेस लगा दिए, तो या गीला कलर पहले नीचे गीला करके फिर ऊपर कलर्स किए, तो उससे अब थोड़ा है कि हाँ ठीक हो गए। मतलब ऐसा लगा कि भाई विपरीत परिस्थितियां भी हो तो उसका मुकाबला भी करना आप लोग जानते हैं। मजा आता है उसको रोकने भी कि पहले जैसे गीला किया फिर कलर किए, तो उसमें क्रिएटिविटी हुई कि टैलेंट दिखाया हमने कैसे हम कलर्स को रोक सकते हैं। बहुत खूब। आपका नाम क्या है? दीपक भी है, फर्स्ट ईयर। जी दीपक जी, आप बताएं आपने क्या बनाया। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का जो है हमारा टॉपिक है, उसमें हमने ये दिखाया कि कितनी लेयर अर्थ के ऊपर जो होती हैं, जैसे हम आसमान में देखते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसमें क्या क्या किस तरह की हवाएं हैं, गैसेज प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह जो लेयर होती है उनके बारे में लिखा है। पिछली बार आप फर्स्ट आए थे मैडम, बता रहे जी, पेपर क्या थीम बनाया था, क्या था कार्यक्रम? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक लेक्चर दिया था उसमें जो है। क्या टॉपिक क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर, ऐसे ही लग रहा है। आप अपना नाम बताएं भाई। दीपक नाम है मेरा, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट। दीपक जी आप बताएं आपने क्या बनाया, क्या क्रिएटिव? हमने रिवर स्टेजेस बनाई है। अच्छा, रिवर की स्टेजेस बताई कि कैसे झील और झरनों से रिवर बनती आती है, हिमालय से बहते हुए वो आखिरी में जाके डेल्टा बना के समुद्र में मिल जाती है, उस पूरी मतलब ये जो पूरी स्टेजेस है ये तीनों की तीनों हमने ब्रीफली दिखाने की कोशिश की अपनी तरफ से, ताकि जिनको ये टॉपिक याद ना हो रहा हो उसको भी याद करने में आसानी हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा है। आप बताइए आपको कैसा अनुभव रहा भी यार? सर हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा, हम दोनों पार्टनर सर हम सेम ही टॉपिक बना रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों के ड्रेस ऑफ कलर से भी महसूस हो रहा है कि पार्टनर ही हैं। रैंडमली हो गया। रिवर स्टेजेस के बारे में बता रहे, कैसे ऊपर से पर्वतों से पानी आता है, कैसे नीचे घरों तक पहुँचता है, वो तीनों पूरी स्टेज हमने क्लियरिटी से दिखाई है, जिससे मतलब टॉपिक याद होने में आसानी हो, एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं। ये बताइए कि जैसे किताबों में आप लोग पढ़ते हैं, आज उन्हीं चीज़ों को आप बड़े ही क्रिएटिव रंग भर करके उन चीज़ों को, तो अब कितना आसान और कितना सहज होता है इन चीज़ों को? जैसे हम कोई भी चीज़ खुद क्रिएटिव तरीके से बना के देखते हैं वो जल्दी याद हो जाती है। हाँ। बुक से करते हैं वो याद नहीं होती, कलरफुल चीज़ होती है उन्हें पढ़ने भी मजा आता है, वो बात होती है। कॉलेज का जो ये एक जो प्रयास है जो आप लोगों के अंदर की जो प्रतिभा को निखारने के लिए किया जाता है, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, राइटिंग मेकिंग कॉम्पिटिशन होता है, अभी इंग्लिश ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको निकालने का मौका मिलता है, टीचर्स हमें मौका देते हैं कि हम वो चीज़ दिखाएं कि हमें ये चीज़ आती है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम बताएं भाई। सर सुखबीर रेड्डू। सुखबीर जी आप बताएं आपने क्या बनाया? सर हमने अभी जो चमोली के अंदर अपने जो ग्लेशियर था वो फटा था, एनवायरनमेंट के अंदर अब जो अपने पर्यावरण के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हमने उसके ऊपर थीम बनाई है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे जो पर्यावरण के अंदर इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, इनके सबसे ज़्यादा बड़े बड़े रीज़न यही है, कुछ चार पाँच हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी जो जनसंख्या बढ़ने लग रही है इस वजह से, और वनों का क्षरण, वनों का मिट्टी का क्षरण, वनों का कटाई है, इस वजह से पर्यावरण के अंदर सबसे ज्यादा है दिखते आ रही हैं। और सर जैसे अभी चमोली के अंदर जो तपोवन है 7 फरवरी के अंदर वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा आई है उसका सबसे बड़ा रीजन यही था, 2003 के अंदर वहाँ पर जो टूरिज्म बढ़ा, वहाँ पर पर्यटन बढ़ा, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वाहन है, वहाँ पर आना आवाजाही उनकी स्टार्ट हुई, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस कारण वहाँ पर जो उनका एनवायरमेंट है, टेम्परेचर वो बढ़ता गया, और
7 फरवरी को ऐसी स्थिति आई कि वहाँ पर कचरा प्लास्टिक वगैरह के कारण और जो तापमान है उसके बढ़ने के कारण वहाँ पर जो ग्लेशियर था वो फट गया और उसका जो दबाव था और उसका जो भाव था इतना तेज था कि जिसके कारण आगे 3 डैमों की जो परियोजना थी वो पूरी रूप से 100% लॉस हो गया, मतलब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, हमने हमारी उसके 12 नंबर है हमारा, उसके ऊपर हमने साथ में लगाया भी, अगर जब भी हम डैम वगैरह बनाए या फिर कोई भी परियोजना ले उसके बाहर कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक हमें जो पहाड़ों के जो मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जैसे छाल वृक्ष हैं और अशोक वृक्ष हैं बहुत बड़े बड़े हैं, हमको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लगा देना चाहिए कि ताकि अगर बाय चांस भगवान ना करे आपदा का कोई किसी को नहीं पता था कब कहां पर घटित हो जाए तो उसका जो प्रेशर कम हो और जो वहां पर इतनी जाने गई है और उनको आगे भी बचाया जा सके। बिल्कुल, प्रकृति से जितनी ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है तो प्रकृति पलट कर जवाब देती है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो स्थिति आप बता रहे हैं वो पलट कर जवाब ही है। बिल्कुल सर, प्रकृति है, प्रकृति किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उससे कुछ है सोच विचार करके उसके कुछ निपटारे के उसको पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी चीज उसको कम किया जा सकता है। तो इसलिए जो डैम के चारों तरफ या फिर जो भी नदियां नहरें हैं उनके वहां पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी है। हाँ जी बताएं, आपका नाम बताएं, क्या है? मेरा नाम अमित बंसल है। अमित जी बताएं आपने क्या बनाया? हमने नदी की आकृतियों के बारे में बनाया कि युवा अवस्था में कौन कौन सी आकृतियां बनाती है, उस टाइम नदी पूरे जोर पे होती है, उस टाइम जलप्रपात व नदी विसर्प का निर्माण करती है जिससे कि जैसे कोसी नदी अपनी मार्ग बदलती रहती है उसे नुकसान काफ़ी हो जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताने की कोशिश की है। जलप्रपात में बताया कि आवरणमन कुंड बनाते हैं जिससे कि जलप्रपात उसमें 11 होता जाता है कि खंड बनाते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने दर्शाने का पूरा प्रयास किया कि जो भी नदी अपनी आकृतियाँ बनाती है वो दिखाया जा सके ताकि आम जनता को पता चले कि इसमें नदियाँ ये आकृतियाँ बनाती है जिससे हमारी ज्योग्राफी का विकास हो। किस क्लास में? बी ए फाइनल ईयर। बहुत सुंदर, आपका नाम बताएं भाई। नीरज शर्मा। नीरज जी आप बताएं आपने क्या बनाया? जी हमारा सेम था। सेम था, तो आपने क्या सीखा उसमें जो है, क्या लगा आपको? कितना आसान होता है, कितना सहज होता है जब चीजों को आप रेखांकित करते हैं? पहली बार प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बी ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ। ये फर्स्ट ईयर में हूँ तो भैया ने कहा था अभी हम साथ बनाएंगे, तो हम नदी की कहाँ चलती है कहाँ से होती है उसके बारे में सीखा था। काफी कुछ सीखने को मिला। काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? बताएं सर। मैं फैकल्टी में। कोई बात नहीं, आप बताइए। सुदेश सिंह है, तो सुदेश कैसे पढ़ा रही है, आज का जो है अनुभव कैसा रहा बच्चों? आज का अनुभव सर उम्मीदों से बहुत ज्यादा था, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रिसेंट के टॉपिक है वो उठाए उन्होंने, जैसे चंबोली की दुर्घटना थी और पीछे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है उसको भी रिप्रेजेंट किया है बच्चों ने, बाकी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ है जैसे कि, और जो लैंडफॉर्म्स बन रही हैं अलग अलग वो थ्रू रंगोली उन्होंने रिप्रेजेंट। बच्चों को समझाने के लिए बहुत बेहतर तरीका हो सकता है, है ना? बिल्कुल सर, न केवल मतलब ज्योग्राफी के बच्चों को तो ज्ञान है ही, आम जो जैसे और मतलब स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी इससे मतलब अच्छे से समझ पाए, मतलब देखते ही। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। जी आप बताएं मिश्रा जी। सर वो आज मैंने और मेरे पार्टनर ने अनित ने वो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताया था सर, अपनी रंगोली में कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताया था, जैसे कोई भी रिवर माउंटेन पे से फ्लो होती है तो सर कुछ रॉक्स क्या होती है सॉफ्ट होती है, तो सर सॉफ्ट होने की वजह से वो कुछ डिजोल्व हो जाती है जिस तरीके से सॉइल का निर्माण होता है, और उसे सर एंटीक्लाइन और सिंकलाइन वगैरह भी फॉर्म होते हैं और एक अंडरग्राउंड गुफा भी बन जाती है सर, उसको हमने आज रिप्रेजेंट किया था। बहुत खूब, क्या नाम? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नविता सिंह है और आज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के थ्रू हमने रंगोली से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताया है, जिसमें हमने ये बताया है कि उसके अंदर का कोर कैसे ऐसा है, क्या कौन कौन से मेटल्स अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि सिंपल हम देख के नहीं बता सकते हैं, ना ही हम जनरली वहाँ से हम सैंपल्स ले सकते हैं, तो कैसे साइंटिस्ट ने किन किन बेसिस पे कौन कौन से एविडेंसेस पे हमने वो डाटा कलेक्ट किया है वो सब हमने हमारी रंगोली के थ्रू दिखाया है। अपना नाम बताया। हर्ष। किस क्लास में? बीएससी फर्स्ट ईयर। आपने क्या बनाया है आज रंगोली? हमने सर जो एडवांस ज्योग्राफी का टॉपिक है GIS का रिमोट सेंसिंग वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दर्शाने की कोशिश की सर, उसमें मतलब अलग अलग वेव्स होती हैं जैसे इंफ्रारेड माइक्रोवेव विजिबल रेज, तो उसके अंदर जैसे अपनी आई सर सारा तो मतलब सारी रेज को तो डिटेक्ट कर नहीं सकती जी। तो ओनली विजिबल रेज को कर सकती है जिनकी मतलब 0.4 से 0.7 होती है वैल्यू, तो उसके मतलब सबको दिखाने की कोशिश की गई एक थीम के माध्यम से जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है बताएं भाई? सर ये सेम ही हमारा। हाँ तो सेम है, कोई बात नहीं। साक्षी सर, थोड़ा बताएं साक्षी अपने बारे में, कैसा रहा ये अनुभव आपको सर? अभी तक तो आप किताबें पढ़ती रही होंगी, लोगों के साथ जो है कुछ बनाया है, कैसा रहा? सर बहुत मजा आया, हमने चीजों को देखा समझा उन्हें और बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हुआ हमारा टॉपिक, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, इसमें विजिबल रेज जो हमारी आंखों को दिखती है और रिफ्लेक्ट होती है उनके बारे में बताया। बहुत खूब, आपका नाम?
अंशु सर। हाँ, अंशु जी आपने क्या बताया? सर हमने रिमोट सेंसिंग बनाई है सर। रिमोट सेंसिंग मतलब किसी भी हमें किसी भी फील्ड की पिक्चर लेनी हो, मतलब कि आप एरियल फोटोग्राफी के द्वारा भी ले सकते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग के अंदर ये कि सूर्य से जो किरण आती है वह अपनी अर्थ सरफेस से टकराती है और वापस सैटेलाइट के अंदर चली जाती है, फिर सैटेलाइट से हमें डाटा प्रोवाइड होता है सर। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आजकल लोगों के जो खेत हैं उनका भी चित्र लिया जा रहा है और जो है उससे ये भी पता किया जाता है कि भाई कितनी फसल कहाँ हुई है। हाँ सर, ये कितनी फसल कहाँ पर हुई है, किस फील्ड में कौन सी फसल है, उसके लिए अलग अलग साइन यूज किए जाते हैं। जैसे वेजिटेबल के लिए अलग साइन होते हैं, गेहूं की फसल के लिए अलग साइन होते हैं, वो उसके लिए सर। बहुत खूबसूरत टॉपिक है आपका और जो है बड़ा वाइड है और इसमें बहुत करियर की संभावना है। हाँ सर, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, आगे GIS की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है सर आगे। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बेटा आपका नाम? सर विनय। आप बताएं। सर हमने रिमोट सेंसिंग का व्यू दर्शाया है, इसमें हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज करके हम एरियल फोटोग्राफ यूज करते हैं, इसमें हम वेजिटेशन बिल्डिंग्स सब का यूज करते हैं और वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा की मदद से हम जो अलग अलग व्यू दर्शाते हैं। सर इसमें हम अर्थ सरफेस की फोटोज लेते हैं इन एयर, जियोस्टेटिक सैटेलाइट्स की मदद से हमने रिमोट सेंसिंग का यूज किया है। रिमोट सेंसिंग को लेकर के अगर आगे पढ़ाई करनी है, हिसार में कहीं संभावनाएं आपको नजर आती हैं, है जानकारी? सर HU में भी रिमोट सेंसिंग का है स्कोप है और सर इसका काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आगे भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सर, थैंक यू। जाट कॉलेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आज जो मौसम है वो बहुत तेज हवाओं का है, हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, तो यहाँ रंगोली बना पाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मुश्किलों के काम थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने जो है यहाँ पर बेंच लगा करके और कहीं ना कहीं उन कलाकृतियों को बनाने का प्रयास किया है। एक जो है स्टूडेंट यहाँ पर थी, उन्होंने कहा कि भाई कलर को गीला करके भी उन्होंने कोशिश की है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बहुत ही खूबसूरती से चारों तरफ से इसको ढका गया है ताकि जो है हवाओं से इन्हें बचाया जा सके। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है यहाँ पर दर्शाने का प्रयास जो है बच्चों ने किया है और अभी भी यहाँ पर जो है लगे हुए हैं बच्चों और देखिए वहाँ पर मिट्टी को किस प्रकार से जो है गीला किया गया है ताकि वो उड़ने ना पाए और जो है ये कलाकृतियाँ इसी तरह का प्रकार से बरकरार रहें। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया ये प्रयास बेहद खूबसूरत कहा जा सकता है क्योंकि जब आप किताबों के साथ पढ़ते हैं तो बहुत से टॉपिक्स जो है कई बार क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कलाकृतियों के आधार पर समझते हैं तो ज्योग्राफी के बच्चे तो समझते ही हैं, साथ ही जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी समझने में बहुत ही सहजता, बहुत ही आसानी होती है। तो जाट कॉलेज के इस प्रयास को हम बहुत ही सराहनीय कहेंगे और इसी प्रकार की जो रचनात्मक गतिविधियाँ हैं महाविद्यालय की तरफ से आयोजित होती रहती हैं और इसीलिए जो है जाट कॉलेज को लेकर के बच्चों में एक तरह की उत्सुकता रहती है कि यहाँ आने के बाद उन्हें तमाम क्षेत्रों में, खेलों में ही नहीं तमाम रचनात्मक क्षेत्रों में भी बहुत खूबसूरत करने के लिए मौका मिलता है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इस वीडियो को लगातार शेयर भी करें दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों।